हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्वेता और ये जनरल नॉलेज क्वेश्चन विद आंसर है यूपी एचईएससी एग्जामिनेशन के जो अभी हायर एजुकेशन का हुआ है 28 नवंबर में। सेकंड शिफ्ट के पेपर का सोल्यूशन है ये। फर्स्ट शिफ्ट का भी हम क्वेश्चन विद आंसर लेकर आएंगे जनरल नॉलेज का। उसके अलावा सब और सब्जेक्ट्स के हम सोल्यूशन नहीं लाएंगे, सिर्फ फिजिक्स का सोल्यूशन और लेकर आएंगे। फिजिक्स का पेपर भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो होप कि आप लोगों को ये हेल्प करे। कमेंट सेक्शन में जो जैसा भी आपको लगे आप पोस्ट कर सकते हैं। काफी अच्छा लगता है, आपका कमेंट्स और लाइक्स बहुत मोटिवेशन देते हैं। जुड़े रहिए चैनल से। क्वेश्चन वन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्विस? जीमेल, आउटलुक, याहू मेल एंड नेटस्केप। तो जीमेल, आउटलुक, याहू मेल, इन तीनों से आप मेल कर सकते हैं। सिर्फ नेटस्केप इज अ वेब ब्राउजर, सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेटस्केप इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन टू, इन रेफरेंस टू कंप्यूटर जेपीईजी फाइल कंटेन ओनली ऑडियो, ओनली वीडियो, ऑडियो एंड वीडियो बोथ, ग्राफिक्स। तो जेपीईजी जो है वो सिर्फ ग्राफिक्स कंटेन करती है, फोटोज होते हैं उनको हम जेपीजी बोलते हैं। तो ग्राफिक्स इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। थर्ड क्वेश्चन, इन बाइनरी नंबर सिस्टम हाउ मेनी सिंबल्स आर यूज्ड? तो बाइनरी में जीरो और वन यूज करते हैं, तो टू सिंबल्स हम यूज करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। वन पेटाबाइट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1024 टेराबाइट्स, 1024 गीगाबाइट्स, 1024 ईबी, 1024 यूबी। तो इसका जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है वो 1024 टीबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन इन इंटरनेट? बिंग, गूगल, याहू, विंडो। तो बिंग, याहू एंड गूगल ये सर्च इंजन्स हैं। विंडो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिडेमोलॉजी डील्स विद स्टडी ऑफ एपिक्स, स्टडी ऑफ इड्रम, एपिड्रम, स्टडी ऑफ पब्लिक हेल्थ, स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन। तो एपिडेमोलॉजी जो है वो सार्वजनिक स्वास्थ्य के अध्ययन यानी स्टडी ऑफ पब्लिक हेल्थ से रिलेट करती है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन सेवन, द प्रोसेस ऑफ सक्सेसफुल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्पीसीज इन न्यू न्यू एरिया इज कॉल्ड सेयर, क्लाइमेक्स, बायो इन्वर्जन, एकेसिस। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो डी ऑप्शन करेक्ट है, एकेसिस। द प्रोसेस ऑफ सक्सेसफुल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्पेसेस इन न्यू एरिया इज कॉल्ड। क्वेश्चन एट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? नेशनल पार्क और लोकेशंस दिया है, कर्नाटका, पाखल, मध्य प्रदेश, सीकरी देवी, हिमाचल प्रदेश, रचीगाम, जम्मू एंड कश्मीर। तो जो पाखल है वो भी सेंचुरी पार्क है, नेशनल पार्क है, बट वो आंध्र प्रदेश में है। तो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन, ये गलत मैच है यहाँ पर। ठीक है, पाखल इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्क इन आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नाइन, एट प्रेजेंट मोस्ट ऑफ द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज बेस्ड मेनली ऑन द यूज ऑफ गार्बेज बर्निंग, फॉसिल फ्यूल्स बर्निंग, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। तो जब हम इस क्वेश्चन का देखते हैं तो एकदम से हमारे दिमाग में सोलर एनर्जी आता है कि सोलर एनर्जी बहुत इजीली अवेलेबल है। लार्ज हम जो जनरेशन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का सोलर एनर्जी से करते हैं, बट ऐसा नहीं है। अभी भी हम कोयले का यूज ज्यादा करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। तो फॉसिल बर्निंग इज अ करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 10th क्वेश्चन,
इटाई इटाई बीमारी निम्नलिखित में से किस रसायन से संबंधित है? इटाई इटाई डिजीज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल? मर्करी, कैडमियम, जिंक एंड सेलेनियम। तो कैडमियम के एक्सपोजर से जो है इटाई इटाई बीमारी एसोसिएट होती है, तो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 11, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट किस लिए है? ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। यूपीएससी प्री के 2006 में आया है, पीसीएससी में आया है, एसएससी, रेलवे, एनटीएससी में, टैट में, बीएड में, सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम था वहां पे भी ये क्वेश्चन आया था, और अब यूपीएचएससी में भी ये आ गया है। हु ट्रांसलेट भास्कराचार्य वर्क्स लीलावती इनटू अ पर्शियन लैंग्वेज? भास्कराचार्य जो हैं हमारी भारत के बहुत बड़े मैथमेटिशियंस हैं, उनका बुक है, उनका काम है लीलावती बुक में, तो उसको किसने पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया? तो ऑप्शंस है बदायूं बदायूं अमीन, अब्दुल फजल, यहिया बिन अहमद सर हिंद एंड फैजी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो अब्दुल फैजी है, डी ऑप्शन है। अब्दुल फैजी जो है वो छोटे भाई हैं अब्दुल फजल के, और ये दोनों ही अकबर के टाइम में, मैं थोड़ा सा इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि कई बार पूछा गया है क्वेश्चंस, है ना। तो अब्दुल फैजल के भाई हैं अब्दुल फैजी, और दोनों ही अकबर के दरबार में नवरत्न में थे। और जो फैजी हैं ये पोएट हैं, पर्शियन पोएट्स हैं, और इन्होंने जो भास्करचार्य की बुक है लीलावती इसको पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। करेक्ट ऑप्शन है फैजी, अब्दुल फैजी ने लीलावती बुक जो भास्कराचार्य की वर्क की बुक थी, मतलब जिसमें उन्होंने मैथमेटिक्स की, अर्थमेटिक्स और एल्गोरिथम्स की ऊपर थी ये बुक, पर्शियन लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया था। और भास्कराचार्य की बुक के बाद फैजी ने जब महाभारत पर्शियन लैंग्वेज में, फारसी भाषा में ट्रांसलेट हो रही थी, उसका जो सुपरविजन था वो भी फैजी ने किया था। और महाभारत को जो पर्शियन लैंग्वेज में नाम मिला था, मतलब इन्होंने रखा उसका नाम पर्शियन लैंग्वेज में, वो रज़मनामा था, द बुक ऑफ वॉर। तो महाभारत है ये, जो हमारे हिंदू मैथोलॉजी में काफ़ी बड़ा काव्य है, बड़ी मान्यता है उसकी, तो उसको रज़मनामा द बुक ऑफ वॉर के नाम से पर्शियन लैंग्वेज में जानते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 12 इज हु अमंग द फॉलोइंग इज अ राइटर ऑफ अनहैप्पी इंडिया? जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, भीमराव अंबेडकर, लाला राजपत राय। सो लाला राजपत राय वॉज द ऑथर ऑफ अनहैप्पी इंडिया, सो ऑप्शन करेक्ट इज डी इज करेक्ट ऑप्शन। ही ऑल्सो ऑथर द फॉलोइंग पब्लिश्ड बुक आर्य समाज, 1950 में की थी, 15 में की थी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, हिंदूज इम्प्रेशन, 1916 में की थी वो बुक। ठीक है, तो दो बुक्स और हैं, एक आर्य समाज एंड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, हिंदूज इम्प्रेशन, वो भी लाला लाजपत राय की है। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, मतलब इनको हमें काल कर्म अनुसार जो सबसे पहले आया और जो सबसे बाद आया कि ऑर्डर तक इसको लेके जाना है। ऑप्शंस हैं वेद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मण टेक्स्ट, उपनिषद एंड वेदांग। तो संस्कृत जो लिटरेचर डेवलप्ड हुआ, संस्कृत का वैदिक लिटरेचर या वैदिक संस्कृत जो हमारी लैंग्वेज है वो डेवलप्ड हुआ, पहले वेद साए, फिर ब्रह्म ग्रंथ साए, फिर अरकांडी आया, फिर उपनिषद एंड देन वेदांग। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 14, ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये एसएससी 2019 में, यूपी पीजीटी ज्योग्राफी में, और यूपीएससी भी 2021 में अभी एग्जाम में आया है। और अब
भी यूपीएचएससी में भी आ गया ये क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक जोग्राफिया? टॉलेमी, अलेक्जेंडर वॉन बोल्ट, वोल्टेयर एंड अबू रेहान बी रूहानी। तो जो टॉलेमी हैं ये रोमन हैं और इन्होंने करीब 993 डिफरेंट बुक्स लिखी हैं ज्योग्राफी पे, जो पब्लिश हुई हैं 1481 से 1887 के बीच में। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ज्योग्राफिया इन्होंने ही लिखी है बुक। सो क्वेश्चन 15 इज हु अमंग द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी वॉज एसोसिएटेड विद सिल्क लैटर कॉन्स्पिरेसी? और ऑप्शंस हैं सूर्य सेन, अब्दुल्ला सिद्दीकी, वी डी सावेकर, महेंद्र प्रताप। तो अब्दुल्ला सिद्दीकी 10 मार्च 1972। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। सो 16 क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ मेंबर ऑफ सरकारिया कमीशन? तो जो सरकारिया कमीशन है इसके हेड थे जस्टिस राजेंद्र सिंह सरकारिया, राजेंद्र सिंह सरकारिया, और इन्हीं के नाम पे कमीशन का नाम है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। और इसमें टू और मेंबर्स थे, एक थे श्री बी सिवारमन और एक थे डॉक्टर एस आर सेन। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन, डॉक्टर एस आर सेन। द डेमोक्रेटिक बॉडी ऑफ अ लोएस्ट लेवल ऑफ रूलर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज कॉल्ड? ग्राम सभा, ग्राम समिति, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत। तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी इन विलेज ऑफ रूरल एरिया आर कॉल्ड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, PRI, विच आर बेस्ड ऑन वैदिक एरा नेटिव डेमोक्रेटिक पंचायत काउंसिल ऑफ फाइव ऑफिशियल सिस्टम। तो जो पंचायती राज होता है इसमें थ्री लेयर्स होती है, जिला पार्षद, ब्लॉक दौलत पंचायत एंड विलेज पंचायत। और विलेज पंचायत से भी जो सबसे छोटा होता है वो ग्राम सभा होता है। तो इस अकॉर्डिंग आपके सामने चार्ट है, तो ग्राम सभा जो है लोएस्ट लेवल होता है, बट क्योंकि नंबर्स जो थ्री लेयर्स होती हैं उसमें विलेज पंचायत होती है, तो हम यहाँ पे ग्राम पंचायत भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू की, और आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में डाल भी सकते हैं कि आपके अकॉर्डिंग इसमें से जिला पंचायत सही ऑप्शन होना चाहिए या ग्राम सभा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको पंचायती राज का लेयर्स भी बता रही हूँ और ये भी बता रही हूँ कि सबसे लोएस्ट जो लेवल होता है वो ग्राम सभा होता है, बट क्योंकि उसको हमने नंबर लेयर्स में नहीं काउंट किया है तो ग्राम सभा होगा कि ग्राम पंचायत यहाँ पे ऑप्शन होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 18, नई रोशनी स्कीम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? वुमेन ऑफ रूरल एरिया, वुमेन ऑफ माइनॉरिटीज, वुमेन ऑफ सोशली बैकवर्ड और वुमेन ऑफ स्लम्स। फॉर वुमेन एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री स्टार्ट अ न्यू रोशनी लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर माइनॉरिटी वुमेन इन 2013 टू 2012 टू 2013। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू एम्पावर एंड इंस्टिल कॉन्फिडेंस अमंग द माइनॉरिटी वुमेन्स इंक्लूडिंग देयर नेबर्स फ्रॉम अदर कम्युनिटी लिविंग इन द सेम विलेज और लोकलिटी बाय प्रोवाइडिंग नॉलेज, टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर इंटरेक्टिंग विद गवर्नमेंट सिस्टम, बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस एट ऑल लेवल्स। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो नई रोशनी स्कीम वुमेन्स ऑफ माइनॉरिटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एम्पावरमेंट के लिए है। हु यूज कॉल इंडिया द सिंक ऑफ वर्ल्ड्स बुलियन? बुलियन, ग्रीक्स, पार्शियन, रोमन्स एंड चाइनीज। तो रोमन्स आर यूज टू कॉल इंडिया द सिंक ऑफ वर्ल्ड्स बुलियन। तो सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। हु अमंग द फॉलोइंग बैंक वॉज प्रीवियसली नोन एज इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया, रिवर्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड नाबार्ड?
The Reserve Bank of India, which is Central Bank of India, acquired the controlling interest in Imperial Bank of India in 1955. फिर उसका दोबारा से इंपेरियल बैंक का उन्होंने नाम दिया 30 अप्रैल 1955 को, और इसको जो नाम मिला वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मिला. तो सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन. तो रिजर्व बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया को 30 अप्रैल 1955 में. हाउ मेनी फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैव बीन अवॉर्डेड भारत रत्न टिल ईयर 2021? तो भारत रत्न जो है 2 को मिला है, 3 को मिला है, 6 को मिला है, 5 को मिला है, कौन से कितने प्रेसिडेंट्स को मिला है? तो इसका ऑप्शन है सी, 6 प्रेसिडेंट्स को हमारे जो है भारत रत्न मिला है. और नाम भी एक बार मैं बता देती हूँ, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्री राजेंद्र प्रसाद, श्री जाकिर हुसैन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और डॉक्टर VV ग्री, मिस्टर प्रणब मुखर्जी. तो ये हमारे टोटल 6 प्रेसिडेंट हैं जिनको भारत रत्न मिला है. ड्यूरेशन ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव इज फ्रॉम 15 अगस्त 2022 टू 15 अगस्त 2024, 12 मार्च 2021 टू 15 अगस्त 2023, 2 अक्टूबर 2022 टू 26 जनवरी 2023, 26 जनवरी 2200 टू 15 अगस्त 2023. तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इनोग्रेट द आजादी का अमृत महोत्सव बाय फ्लैगिंग ऑफ डांडी मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम अहमदाबाद ऑन 12 मार्च 2021. द सेलिब्रेशन स्टार्टेड 75 वीक बिफोर आवर 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस एंड विल एंड 15 अगस्त 2023. तो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन. श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनोग्रेशन किया था इस महोत्सव का साबरमती में. फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज बाय व्हाट परसेंटेज ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस इन बजट 2021-22 एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर 120, 150, 135 एंड 137. इन बजट 2021-22 प्रेजेंटेड इन फरवरी 1, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अनाउंस्ड एन इंक्रीज द एलोकेशन फॉर हेल्थ बाय 137% टू रुपीज 2.23 लाख करोड़ फ्रॉम द प्रीवियस ईयर बजट एस्टिमेटेड ओवर 94,000 करोड़. तो डी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन. 24 क्वेश्चन. विच गेम लियोन मैकडॉका इज रिलेटेड टू? टेनिस, चेस, हॉकी, फुटबॉल. तो लियोन ल्यूक मैकडॉका बॉर्न ऑन 13 मार्च 2006 इज अ इंडियन चेस प्लेयर. ही 67 इंडियन टू क्वालिफाई फॉर द टाइटल ऑफ ग्रांड मास्टर विद FIDE अवॉर्डेड हिम इन जनवरी 2021. तो 67 इंडियन हैं जिन्होंने इस क्वालिफाई किया इस टाइटल के लिए ग्रैंड मास्टर के लिए. तो इसका ऑप्शन है चेस, बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी सेलिब्रेटेड स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल इन जनवरी 2021? झांसी, अयोध्या, प्रयागराज एंड आगरा. सो यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ऑन जनवरी 1721 इनोग्रेट द स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल ऑफ झांसी. तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन. यूपी के जो सीएम है उन्होंने इसका इनोग्रेशन किया था. 26 क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग? अंडरस्टैंडिंग लेवल, लिसनिंग लेवल, रिफ्लेक्टिंग लेवल,
मेमोरी लेवल, और इसका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, लिस्टनिंग लेवल इज नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग। 27 क्वेश्चन, इन विच मैथड ऑफ रिसर्च द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश, हिस्टोरिकल मैथड, फिलोसॉफिकल लॉ, सर्वे मैथड और एक्सपेरिमेंटल मैथड। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, एक्सपेरिमेंटल मैथड है जहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट हम रिलेशनशिप इस्टैब्लिश करते हैं। 28 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट करेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हाइपोथेसिस, कंसेप्चुअल क्लियरिटी एंड टेस्टेबिलिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन। तो कोर्स दिए हैं ओनली वन, ओनली टू, वन एंड टू बोथ एंड नाइदर वन एंड नॉट टू। तो कंसेप्शनल क्लियरिटी और टेस्टेबिलिटी होनी चाहिए हाइपोथेसिस की, तो बोथ आर करेक्ट ऑप्शन, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। 29 क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी इज द फर्स्ट ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बींग एस्टैब्लिश, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया एंड कुशीनगर। तो यूनिवर्सिटी विच विल कम अप टू अ ब्लॉक ऑफ कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट इज बींग बिल्ड बाय अखिल भारतीय किन्नर शिक्षा सेवा ट्रस्ट ऑल इंडियन ट्रांसजेंडर एजुकेशन सर्विस। तो कुशीनगर में ये एस्टैब्लिश हुई, कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में। तो डी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, हायर एजुकेशन एजेंसीज दी हैं और ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट दिया है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी 1956, एआईसीटी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन 1960, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सीएसआईआर 1942, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च ICSCR 1969। तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICETE वॉज सेटअप इन नवंबर 1945। तो 45 में AICTE आया था, यहाँ पे 60 है, तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सुमेल नहीं है, मैच नहीं करता है, गलत है। तो यहाँ पे हम इस एमसीक्यू को या कह लीजिए जीके के क्वेश्चंस को एंड करते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ये जीके का था, फिजिक्स का भी हम जल्दी ही वीडियो लेकर आएंगे, यूपीएचएससी के एग्ज़ाम का और अदर एग्ज़ाम्स का भी, आप कोशिश करेंगे कि वो भी हम चैनल पर जल्दी जल्दी वीडियोज़ ला सकें, उससे रिलेटेड भी, एग्ज़ाम से रिलेटेड भी, और चैनल से जुड़े रहिए, अच्छा लगता है आप लोग साथ रहते हैं। तो थैंक यू।